आप सभी ने मेरे मेकअप वाले ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दिया, बहुत सारा शेयर किया एंड बहुत खुशी हो रही है कि आप लोगों को वो ब्लॉग बहुत पसंद आया। मेरे पास अलग से भी मैसेजेस आ रहे थे कि दी आपके समझाने की टेक्निक मुझे बहुत पसंद आई एंड सभी को बहुत पसंद आया है। और बहुत सारे लोगों का ये भी मैसेज आ रहा था कि आपने जो प्रोडक्ट मतलब बताए हैं कि क्या लगाना चाहिए क्या नहीं लगाना चाहिए तो समझ नहीं आया है, तो मैं अपने इस वाले वीडियो के बाद वाला जो ब्लॉग लेकर आऊँगी तो उसमें मैं वही कलेक्शन दिखा दूँगी जो उसमें मैंने लगाया था और डेली बेसिस में हमें क्या लगा लेना चाहिए जो हमारी स्किन को नुकसान ना करे तो वो भी मैं बता दूँगी। लेकिन आज मैं आई हूँ एक स्पेशल ब्लॉग लेके, वो है व्हाट इज इन माय बैग कि मैं हमेशा अपने साथ क्या कैरी करती हूँ, चाहे वो कहीं ट्रेवल पे जाना हो या बाहर कहीं पे घूमने जा रही हूँ या तो फिर ऑफिस में ऑफिस में जाती हूँ तो बस बैग चेंज होता रहता है, बाकी सामान एज इट इज़ रहता है। मतलब ये सारे सामान मेरे हमेशा रहते हैं बैग में, जब कभी भी मैं कहीं जाती हूँ तो मैं आज दिखाती हूँ इसमें क्या क्या है। वैसे सारी गर्ल्स के पास जो ये बैग रहता है ना, वो बैग में उनका खजाना रहता है, तो बस कुछ वही हाल मेरा भी है, बैग नहीं है ये खजाना है हमारा। तो मैं एक एक करके दिखाती हूँ कि इसमें क्या क्या है। ओके तो लेट्स गेट स्टार्ट। आई होप कि आपको अच्छे से दिख रहा होगा और चलिए अब स्टार्ट करते हैं, दिखाती हूँ उसमें क्या क्या है। खुल जा सिम सिम सबसे पहले है मेरा ये क्यूट सा छोटू सा बैग जिसमें है पैसे सबसे पहले यही है छोटू सा, क्योंकि इसमें रखने में बहुत आसान होता है और एक छोटी सी जगह गिरता है बस हो गया। तो इसमें है कुछ पैसे कैश, उसके बाद है मेरा एक छोटू सा पैकेट है, सबसे ज्यादा जरूरी चीज यही है क्योंकि इसमें है सारे कार्ड्स वगैरह मेरे सारे बैंक के एंड आधार कार्ड एंड पैन कार्ड और जो भी छोटी 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 बचत होती है ना उसमें उसके कुछ कुछ पैसे हैं। और इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज ये है, हालांकि एक छोटी सी चीज है लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है, वो क्या है, ये है 200 की एक नोट जो कि मेरे हस्बैंड की फर्स्ट सैलरी का नोट है। ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बस यही मैंने खर्च नहीं किया उस वाली सैलरी का, बाकी तो उड़ाते ही रहते हैं तो ये बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए और इसको मैं कभी खर्च नहीं करूँगी क्योंकि ये फर्स्ट सैलरी का है। एंड बाकी सारे बैंक के कार्ड्स वगैरह रखे हुए इसमें, वही आधार कार्ड पैन कार्ड वोटर आई डी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। लेकिन उसके बाद क्या है जो सारे गर्ल्स के बैग में होता है, वो है ये परफ्यूम, रैमसन का है ये वंस मोर, बहुत प्यारा है, बहुत प्यारी खुशबू है इसकी। इसके बाद क्या है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, क्लचर, क्योंकि बाल लंबे लंबे हैं और कभी अगर खुले बाल करके कहीं चले गए तो हवा में ऐसे उड़ते हैं बाल, ऐसे उड़ते हैं कि कहीं जाने लायक नहीं रहते हैं। और कभी कभी गर्मी लगती है तो बन बनाने का मन करता है तो उसमें काम आ जाता है ये, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये भी। एंड उसके बाद क्या है, वो है ग्लिटर्स जो कि धूप में मुझे बहुत काम आता है, या फिर कहीं घूमना हो या तो फिर कहीं फोटोज लेनी। ये ब्लैक नहीं है, नहीं तो मैं अभी गाना गाती, मैंने काला चश्मा चुचता वे बाकी ये है बहुत प्यारा सेट। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है सैनिटाइजर, मास्क, पिंक पिंक चीजें दिख रही है यार मेरे पर्स में ज्यादा हैंग की, ये भी बहुत काम आती है चीज़ें एंड उसके बाद ईयरफोन, जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ है क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे बाहर भी एडिटिंग का काम, बाकी ही सॉन्ग के लिए काम नहीं आता मुझे, कभी कभी सुनती हूँ सॉन्ग वगैरह, बाकी मुझे एडिटिंग के समय काम आता है क्योंकि कभी अगर हम बाहर हैं और मुझे एडिटिंग करनी है तो मुझे थोड़ा सा शांत वाला एरिया चाहिए रहता है और वॉइस मुझे प्रॉपर सुनाई देनी चाहिए, तो उस समय मुझे ये काम आ जाता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि मैं ऑफिस में भी चुपके चुपके एडिटिंग करती रहती हूँ, ईयरफोन उसके काम आता है मेरे। एंड नेक्स्ट है खजाना, इसमें
इसमें है, मतलब ये उस समय काम आता है जब मुझे कभी बाहर से कहीं फैमिली में किसी के यहाँ जाना रहता है, रिलेटिव्स वगैरह में, या फिर कभी ऐसा हो जाता है कि मैं कभी इयररिंग पहनना भूल जाती हूँ, कभी रिंग पहनना भूल जाती हूँ, कभी कुछ। तो इसमें छोटे छोटे रिंग्स रखी हुई है मेरी गोल्ड की, एंड छोटे छोटे कान की वाले इयररिंग्स वो रखे हुए हैं। बस छोटे छोटे स्टड्स ही रखे हुए हैं जो मुझे कभी कभी काम आ जाते हैं बाहर, जबकि मैं खुद कैरी नहीं की रहती हूँ। जब चोरी मत करना कोई भाई मेरा बैग, बहुत महंगी महंगी चीजें बहुत फायदा हो जाएगा उसमें। उसके बाद है टिशूज, मैं इसलिए इसको ऐसे रखी हुई हूँ क्योंकि ऐसे में कम जगह लगती है, मेरा बैग छोटू सा है लेकिन इसमें सामान बहुत सारा है। इसको इसलिए रखी हूँ क्योंकि इसका पूरा पैकेट रखना मेरे बस की बात नहीं है, उतना नहीं संभाल पाऊंगी मैं। इसके बाद गर्ल्स की फेवरेट चीज, हेयर स्टाइल नहीं बिगड़नी चाहिए, तो उसके लिए है ये मेरा कॉम्ब, बहुत काम आता है, जो कि मेरा कभी अगर बाइक से चले गए या कार से भी जाते हैं काम तो आता है, कार में वैसे दूसरी रखी हुई है। उसके बाद ये छोटू सा बॉडी लोशन, कभी हैंड वगैरह वॉश किया तो सॉफ्ट करने के लिए काम आ जाता है। हैंड वॉश से याद आया कि छुटकू सा ये भी रखा हुआ है, सॉप स्ट्रिप्स, ये भी बहुत काम आती है, कभी खाना वगैरह खाना हुआ बीच में तो हैंड वॉश करने के लिए, सॉप तो हर जगह मिलेगी नहीं और हम यूज़ भी नहीं करेंगे, हालांकि सैनिटाइजर रहता है बट एक बार हैंड वॉश करके सैनिटाइज कर लो तो बात अलग होती है। अच्छी अच्छी चीज़ें रखी हुई वैसे मैं बैग में। एक और ये पिंक कलर मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा तो कॉम्ब है, जब तो मिरर तो होना ही था मुझे कभी भी देखने के लिए अपनी शक्ल मिरर एक छोटा सा। एंड इसके बाद है मोस्ट फेवरेट चीज, जब कुछ भी ना हो मेकअप करने के लिए तो लिपस्टिक होना बहुत जरूरी है, और ये लिपस्टिक है मैट लुक की, वन ऑफ द माई फेवरेट लिपस्टिक है ये, इसका कलर ऑसम है, रियल में बता रही हूँ, ये बहुत महंगी नहीं है बट मैं मैक की भी ना लूँ अगर मुझे ये मिल जाए तो, सच में बता रही हूँ। ये मैट लुक की है, मैक क्रश वेलवेट मॉज करके है, इसका कलर बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा सा पिंक कलर, मैंने बताया ना पिंक कलर मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, ये कलर है इसका, और मेकअप ना भी हो बस ये लिपस्टिक लगा, ग्लेयर्स लगा एंड फ्री, कहीं भी घूमो। उसके बाद है ये एक रेड कलर, इसका भी रेड कलर बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है, आई थिंक आपको भी समझ में आ रहा होगा। ये है ब्रांड किस ब्यूटी का है, ये मैट है ये भी, और रेड कलर, इसका रेड कलर गाइस बहुत ही प्यारा है, कभी मैं शूट करूँगी तो आपको याद दिलाऊंगी मैं कि आज मैंने वही वाली लगाई है, ये भी वन ऑफ द माई फेवरेट है, बहुत प्यारी है ये। एंड उसके बाद है छोटी छोटी चीज़ें और बची है, मैं वो भी दिखा देती हूँ आप लोगों को, छोटी सी चीज़ है बट बड़ी काम की चीज़ है, सभी के पर्स में आई थिंक सो रहनी चाहिए ये। उसके बाद क्या है, उसके बाद है ये किस चीज के लिए है, ये मारने के लिए नहीं है मेरी नेल्स के लिए है, क्योंकि नेल पेंट का शौक तो जो है तो वो तो लगाती ही हूँ घर पे, बट ये बाहर इसलिए काम आ जाता है क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक से नेल्स फंसे और गए, और जब गए ना तो फिर बहुत इरिटेशन होती है और बहुत दर्द भी होता है, तो उसे तुरंत निकालने के लिए बहुत काम आता है, ये रहना भी चाहिए, बाकी ये आपकी हेल्प भी कर सकता है तो ये है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है लास्ट एंड ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब अरे पिंक कलर मेरा पीछा ना ही छोड़ेगा ये भी है, कभी अगर क्लचर भूल गया या कुछ भी नहीं है तो ये तो मेरा काम देगा ही, चोटी करो और फुर्सत पाओ। तो गाइस सारी चीज़ें हो चुकी हैं लेकिन एक चीज़ और है, वो है ये बिंदी, क्योंकि मैं कुछ भी वेस्टर्न ड्रेस पहन लूँ, इंडियन ड्रेस पहन लूँ, कुछ भी पहन लूँ लेकिन बिंदी मैं हमेशा लगाती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और गर्ल्स को लगाना ही चाहिए, शादी के बाद तो बिंदी सिंदूर मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता ही है, तो मैं कभी भी नहीं भूलती हूँ, और कभी धोखे से अगर निकल गई तो ये मेरे साथ रहती है, तो मैं इसे भी कर लेती हूँ बस।
गाइस मेरा खजाना हो चुका है खाली और सारी चीजें मेरे वापस आ चुकी है बाहर, तो मैं इसको अच्छे से सेट कर लेती हूँ। सो गाइस ये सारी चीजें वो थी जो मैं हमेशा अपने साथ कैरी करती हूँ अपने बैग में। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, और ये भी बताइएगा मुझे कि कौन कौन सी गर्ल्स है ऐसी जो अपने साथ ये सारा सामान रखती है, और कौन कौन सी ये इसमें से कौन कौन सी ऐसी कॉमन चीज़ें हैं जो आप लोग अपने साथ कैरी करते हैं, तो जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। और नेक्स्ट ब्लॉग में आप क्या देखना चाहते हैं ये भी मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। सो गाइस इस ब्लॉग को रखते हैं बस यहीं तक। अभी तक जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही ढेर सारे इंटरेस्टिंग ब्लॉग लेकर आती ही रहूँगी। तो बाय, टेक केयर। Oh, 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 oh